ज्ञान जी, आपको लगता है कि जो अभी की जो राजनीति है जिसमें वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वोट बैंक को देख करके योजनाएं बनती है, नीतियां बनती है, उसमें इस तरह के तबके जिनका बड़ा वोट बैंक नहीं, जो दबाव की राजनीति नहीं कर सकते, उनकी कभी सुनी जाएगी? यही तो बात पूछा रहे हैं कि ये छोटा तबका है, बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन पर किसी की नज़र पड़ती नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इनको है मदद की, आवश्यकता इनको ज़्यादा मदद की आवश्यकता है। चाहे वोट नहीं बढ़े लेकिन इनका जीवन स्तर बढ़ जाए, उस दिशा में सरकारों को पहल करना चाहिए। आपको मौका मिलता है तो आप पहली प्राथमिकता में इसको करना? हमेशा करते हैं, किया है, और विधानसभा के पटल पर बार बार किया है। कई जातियों को मनवा दिया, कई जातियों को मनवाना बाकी है, तो आने वाले कल में धीरे धीरे सबका मनवा देंगे। ये तो तय है कि अगली जो सरकार बनेगी उसमें आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर आपको मंत्री बनाया जाता तो आप कौन से पोर्टफोलियो में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे जिससे इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ा सके? ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन ये तो वहाँ उस समय का नेतृत्व जो तय करेगा, मुझे उस भूमिका में खड़ा उतरना है। पर ऐसा नहीं कि जो पोर्टफोलियो मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ही काम होगा, मिलेगा तो भी दूसरे पोर्टफोलियो काम कर सकते हैं, और नहीं मिलेगा तो भी काम कर सकते हैं। पहले किए ना, आगे भी करेंगे।